मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस अध्ययन ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे, इससे पहले हम लीफ की बात कर चुके हैं, डाइकॉट मोनोकॉट में किस तरीके की लीव्स होती हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। आज हम इस बात करेंगे इस पार्ट में कि बेसिकली जो हम लीव का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो लीव का सबसे पहले हम देखते हैं अटैचमेंट कैसा है। लीव सिंपल है, कंपाउंड है, किस तरीके से एस्टिपुलेट है, स्टिपुलेट है, और उसके बाद हम देखते हैं कि लीफ लीफलेट्स में डिवाइड है कि सिंपल लीव्स में है, सिंगल लीफ है, किस तरीके से है। उसके बाद जो अगला पोर्शन आता है हम लीफ का देखते हैं तो वो आता है कि जो लीफ का एपेक्स कैसा है और उसका बेस कैसा है। उसके बाद हम मार्जिन की बात करते हैं, मार्जिन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि लीफ बेस और लीफ एपेक्स किस तरीके का होता है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है लीफ बेस और लीफ एपेक्स का, ये मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट। तो जो लीव्स में एरो के समान हल्का पॉइंटेड होता है, एरो होता है, नुकीला होता है लीफ का एपेक्स, उसे हम कहते हैं एक्यूट। और जब उसमें वो नुकीला जो पार्ट होता है हमारा, वो थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा अधिक एरिया होता है, उसको कहते हैं एटीन्यूएट। और जब ये थोड़ा तीखा होने के बाद फिर हमारा लीफ ब्रॉड होना शुरू हो जाती है, मिक्रोनेट एपिकुलेट कहलाता है। उसके बाद हम जब आते हैं कि यहां पर जो एपेक्स वाला पोर्शन है, जो अपर पोर्शन होता है वो थोड़ा नैरो होता है, नैरो के बाद एक साइड में उसका कर्व होता है तो उसे कहते हैं करेट। और फिर सीधा एकदम हमारा पॉइंटेड होने के बाद सीधा एकदम ब्रॉड एरिया हो जाता है लीफ का एक्यूमिनेट। और थोड़ा तीर जैसा लंबा होता है, एरो जो उसमें होता है थोड़ा, ये वाला पोर्शन थोड़ा लॉन्ग होता है, उसके बाद लीफ जो है धीरे धीरे ब्रॉड होती चली जा रही है, कस्पिडेड कंडीशन कहलाती है। उसके बाद देखते हैं कि लीफ का अपेक्स सीधे राउंडेड है तो लीफ राउंडेड उस अपेक्स कहलाएगा। थोड़ा इलोंगेटेड लीव्स है, थोड़ा टनकेट है, थोड़ा सा पॉइंटेड नहीं है, ऑब्स्टूस कहलाएगा। और सीधा फ्लैट पार्ट अगर अपेक्स का है तो टनकेट कहलाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा जो अपर मार्जिन है वो अंदर की ओर हल्का सा डीप है, रेटिव्यूस कहलाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा डीप जो डीप मार्जिन है वो थोड़ा और ज्यादा डीप है तो इमर्जिनेट लीफ कहलाएगी। और इसमें इस तरीके से कि जो हमारा डीप वाला पोर्शन है उसका जो है नुकीला पार्ट है, एरो है उसमें, तो इनसाइज कहलाएगी। और ज्यादा डीप है तो बायलोब्ड हो जाएगा। और इस तरीके की लीफ अगर और ज्यादा डीप होते चला जा रहा है, हमारा एरो वाला पार्ट जो लीफ डिवाइड कर रहा है इसका बाइफिड कहलाएगा। और इस तरीके से देखा जाए ऊपर बेबी है, फ्लैट है तो प्रिमोस कहलाता है। तो इस तरीके से मोस्टली प्लांट्स में जो हमारे एपेक्स हैं वो इनमें से पाए जाते हैं, कुछ में थोड़ा डिफरेंस होते हैं लेकिन मोस्टली जो हमारे एपेक्स वाला पोर्शन होता है वो इसी तरीके से मिलता है। अब हम बात करते हैं उसमें लीफ क्या ओरिजिनेट होता है, लीफ का बेस कैसा होता है। कहीं कहीं जो लीफ का बेस होता है अल्टरनेट होता है, एक साइड नीचे होता है, एक साइड ऊपर की ओर होता है, कभी दोनों बराबर होते हैं, कभी के अंदर धसे हुए होते हैं। तो हम बात करते हैं इस तरीके की इमर्जिनेट होकर एकदम शट डाउन सीधे हो रहा है कि पहले ब्रॉड एरिया है फिर सडनली जो हो जाता है हमारा नैरो एरिया हो जाता है, बेस क्यूनेट कहलाता है। फिर इसमें क्या होता है कि सीधे आ रहा है ट्राइंगल और धीरे धीरे हल्का हल्का नैरो हो जा रहा है, एट्यूनेट कहलाता है। फिर ब्रॉड एरिया एकदम राउंडेड हो जाता है, अंदर से ऑब्स्टूस कहलाता है। इस तरीके का अगर है थोड़ा कि बहुत ऊपर से नीचे तक ब्रॉड ही रहता है और बेस पर आकर बहुत सारा बहुत बहुत मामूली सा नैरो होता है, इसका राउंडेड कहलाता है। और इस तरीके से देखा जाए कि बेस आता है, फिर बेस ऊपर से जब आता है तो नीचे की ओर लीफ का बेस है वो इंक्रीज करता है साइड में, तो हेस्टेड कहलाता है। और इस तरीके से अगर जो नीचे के बेस के मार्जिन है वो अंदर की ओर एम्बिटेड है, अंदर की ओर धसे हुए है, इसका सेगिटेट। और इस तरीके से कि एक लीफ का बेस जो है हमारा नैरो पार्ट है, एक बहुत ब्रॉड पार्ट है, तो इस तरीके की लीफ हमारी रहती है एसिमेट्रिकल। और इस तरीके के ये पहले आ रहा है एक नीचे बेस से, लोअर साइड से एक अपर साइड से ओरिजिनेट हो रहा है लीफ का बेस, तो इस टाइप की लीफ कहलाती है ऑब्लिक। उसके बाद देखते हैं कि इस तरीके से हमारा समझ लो ऑब्स्टूस, फिर आता है नीचे बेस ब्रॉड नैरो हो रहा है, फिर एकदम ब्रॉड हो जाता है, सेम साइड से लोब जैसा हो जाता है, क्यूनेट कहलाएगी। और अगर नीचे हो रहा है तो कॉर्डेट कहलाएगी। तो इस तरीके से जब हम लीफ का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें लीफ का जो पोर्शन होता है एपेक्स
और बेस लीफ के एक्सप्लेनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी हम लीफ के बेस पर ही प्लांट को हम पहचान सकते हैं, जैसे सेजिटेट है तो सेजिटेरिया की लीव्स मिलती है, जो बेरी जो सेमी एक्वाटिक प्लांट्स है बेसिकली, तो इस तरीके से हम लीफ देख के पहचान सकते हैं किस तरीके से होती है। तो इस लीफ बेस और लीफ एपेक्स के बाद अगला हम बात करेंगे लीफ मार्जिन की, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।